सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, भाई राज और हम सब मिलकर आज की इस शाम की आराधना प्रार्थना में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं, शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए आज की शाम हम फिर से एक मन एक हृदय हों और आज हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें कि हम सब प्रभु के विश्वास में और अधिकाई से उन्नत होते चले जाएं और ईश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। साथ ही आज हम फिर से आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं और जिसकी वजह से हम सब आज प्रभु के नाम के लिए आप सबके सामने खड़े हो पाते हैं। और साथ ही आज हम फिर से आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप सब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, जितने लोग आराधनालय में हैं, हर एक जन की प्रार्थनाओं को ईश्वर सुने और पूर्ण करे और आप सब ईश्वर की उपस्थिति को, ईश्वर के महान कार्य को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएँ और आप सब ईश्वर के नाम की गवाही बनने पाएँ। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं हम सब तैयार हो जाएँ ईश्वर की स्तुति आराधना के लिए, ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए और ईश्वर की आशीष को ग्रहण करने के लिए जो ईश्वर आज के दिन हम सबको फिर से देने जा रहा है। उस आशीष को ग्रहण करने के लिए हम सब तैयार हो जाएं। तो आज की आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन मैरी, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन मैरी, भाई अमित और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब तैयार हो, हम जहाँ कहीं भी हैं हम आराधना करने के लिए तैयार हो, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो और इस वक्त हम सब अपने मन को, हृदय को स्थिर करें और हम लगातार प्रार्थना करें कि इस वक्त ईश्वर की उपस्थिति फिर से हम सब के बीच हो, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सब के बीच हो। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। सभी जो यहाँ उपस्थित हैं अपनी आँखों को बंद कर लेंगे, अपनी हाथों को खुला रखेंगे। इस समय में हम अपने ईश्वर, जीवित पिता जो हम सबको बनाया है, उस ईश्वर की महिमा, उसका स्तुति गान करने जा रहे हैं। हे प्यारे पिता, हम इस वक्त तेरे शरण आए प्रभु, तेरे चरणों में आए हैं पिता। अब हम अपने सारे दिल की बातों को, हृदय की बातों को तेरे समक्ष रखने आए हैं प्रभु। हे पिता, इस समय में हम सबों पर आपका नियंत्रण मांगते हैं प्रभु। हे पिता, जो भी गीत, जो भी आराधना, जो भी स्तुति हम करेंगे प्रभु, उसमें आपकी कृपा मांगते हैं पिता। हम जानते हैं कि हम सब दुर्बल हैं, अयोग्य है मेरे पिता। हम कई बार तेरी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं प्रभु और तेरी कृपाओं से, तेरी अनुग्रह से वंचित रहते हैं प्रभु। हे पिता, ऐसे जितने भी हम सब ने पाप किए हैं प्रभु, उन सारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता। तू हमें क्षमा कर प्रभु। जितने लोग इस समय में जुड़ रहे हैं प्रभु ऑनलाइन, उन सबके गुनाहों के लिए भी हम तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता। तू हर एक एक के गुनाहों को क्षमा करना मेरे पिता, और फिर से अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा के आनंद से तू हमें भर देना प्रभु। हे पिता, हम सारे हृदय से, सारे मन से तेरी इस गीत के द्वारा तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। हे पिता, ऐसी कृपा को मांगते हैं प्रभु। इस समय में हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हम सबों को इतना सुंदर जीवन दान दिया है प्रभु। हमें अच्छे अगुए दिए हैं प्रभु, अगुओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस सेविकाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सेविकाई के माध्यम से तू हम सबों को बचाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तू हमारे जीवन में प्रभु, तू हमारे जीवन की हर एक एक जरूरतों को पूरा करता है पिता। हे पिता परमेश्वर, तू हमें किसी भी बात की घटी कमी नहीं होने देता है प्रभु। इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन से जुड़े हर एक एक जन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम तेरी सुरक्षा में पाए जाते हैं प्रभु, हम स्वस्थ हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी हम कार्य करते हैं प्रभु, उस कार्य को तू सफल करता है प्रभु, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
जो लोग भी प्रभु पढ़ाई कर रहे हैं, तू उन्हें पढ़ाई करने में प्रज्ञा ज्ञान देता है प्रभु, अपने सामर्थ से भरता है मेरे पिता। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और तुझसे क्या मांगे प्रभु, सारा तो आपका ही प्रभु, आपका दिया हुआ है मेरे पिता। हमारे जीवन में आपकी अनुग्रह, आपकी ही कृपा है पिता। इस समय में सिर्फ और सिर्फ हम तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति, तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। हर एक एक बात के लिए, हमारी दुर्बलताओं के लिए, आपके द्वारा हमारे जीवन में मिले हर एक एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर फिर से प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हम सब जहां कहीं भी इस वक्त हम आराधना में शामिल हो और एक साथ मिलकर हम ईश्वर का स्तुति गान करें। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय। सदा
करे यीशु की तारीफ सदा। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु के जैसा ना मुक्ति का दाता, यीशु के जैसा ना मुक्ति का दाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता। यीशु के जैसा ना मुक्ति का दाता, यीशु के जैसा ना मुक्ति का दाता, उसके रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। महिमा यीशु की गाएंगे हम तो सदा। आराधना महिमा यीशु की गाएंगे हम तो सदा। सब मिल के और दिल से गाएंगे हम तो सदा। सब मिल के और दिल से गाएंगे हम तो सदा। यीशु की राहें कितनी है प्यारी, यीशु की राहें कितनी है प्यारी, देती है सुख और आराम, देती है सुख और आराम। यीशु की हमेशा आराम, देती हमेशा आराम। उसका जो प्यार कितना महान, उसका जो प्यार कितना महान, पापी को करता क्षमा, पापी को करता क्षमा। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर से कि आपने हम सबको यह अवसर दिया प्रभु कि हम आपके साथ, आपके स्वर्गदूतों के साथ आपका महिमा गान करें। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हम सबके बीच बनी हुई है। हे पिता, आपने हम सबको फिर से नई आशा से, नए आनंद से भरा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, फिर से हम आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों का नियंत्रण हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। ऐसे सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है,
जो प्रभु ने अपनी बेटी अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है वो हमें मिलता है। पहला वचन है एजेकियल का ग्रंथ, यह एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 41, जिसमें ऐसा लिखता है, जब मैं तुम्हें राष्ट्रों से बाहर निकालूंगा तो मैं तुम्हें सुगंधित धूप की तरह अपनाऊंगा उन देशों से जहां तुम बिखरे हुए हो। मैं तुमको एकत्र करूंगा और मैं राष्ट्रों की आंखों के सामने अपनी पवित्रता प्रकट करूंगा। दूसरा वचन है व्यवस्था विवरण, विधि विवरण अध्याय 1 पद संख्या 30, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे लिए ठीक उसी तरह लड़ेगा जिस तरह उसने मिस्र में तुम्हारी आँखों के सामने किया था। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय ईशु, ईशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए और इससे जुड़ चुके और जुड़ने वाले तेरे जितने बच्चे हैं, हम सबके लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर स्तर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे कारोबार के सदस्य हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने अब तक हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खाते खोल के पूर्ण किया। तो हे दयालु पिता, आज फिर से हम सब अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और जिस वचन को तू सुनाना समझाना सिखाना चाहता है उसके लिए तुझसे तेरी आत्मा की मांग करते हैं। यह यीशु के नाम से पवित्र आत्मा हम सब पे नियंत्रण करें, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र की बातें आपकी इच्छा आपकी आज्ञा के बने बिना ना समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सुनने वाले को सुनाने वाले को और इससे जुड़े हर चीज़ को अपने नियंत्रण में लीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, यीशु के नाम से समाप्त करते हैं और धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोगों को जो वचन मिला आज वो एजेकियल 20:41, जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुम सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियां के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहरा जाऊंगा। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वो आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। हालेलुया। आज जो वचन मिला हम लोगों को व्यवस्था विवरण 1:30 और एजेकियल 20:41 और व्यवस्था विवरण 1:30,
माफ कीजिएगा, मैं कुछ ढूंढ रहा था। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों में से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूंगा, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहरा हो जाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं ना कहीं हम रोज परेशान रहते हैं अपनी समस्याओं से, अपने जीवन की परेशानियों से, अपनी निराशाओं से, अपने रिश्ते से, और पिता रोज हमें दिलासा देने का काम करता है। आज भी दिलासा भरा ही वचन है, प्रभु कह रहा है कि तुम भूल गए कि कैसे जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में बंधे पड़े थे तो उन्हें मैं कैसे निकाल के लाया हूं। अभी भी मैं वैसा ही काम करूंगा और तुम्हें ग्रहण करूंगा। और ग्रहण करने के पीछे लिखते हैं कि सुखदायक सुगंध जानकर, सुखदायक सुगंध। सुगंध दो प्रकार का होता है, एक अच्छा नहीं लगता हमको और एक जिससे सुख की अनुभूति होती है। वाह, कितना अच्छा ना, कितना अच्छा खुशबू आता है ना। बच्चे लोग आज इसके लिए ऐसे ही बोलते हैं ना, है ना। तो प्रभु कह रहे कि मैं ऐसा बना दूंगा आप लोगों को कि आप से खुशबू आएगा और उस खुशबू को सबसे पहले मैं ही ग्रहण करूंगा, तभी तो लोग ग्रहण करेगा। और इससे होगा क्या कि आपके स्टेटस को जान के, आपके काम को जान के, आपके रहन सहन को देख के, आपके आचरण को देख के, आपके उन्नति को देख के, तरक्की को देख के, आपके शिक्षा और प्रज्ञा को देख के लोग जान लेंगे कि मैं कितना पवित्र हूँ, कितना सामर्थ्य हूँ, कितना शक्तिशाली। हालेलुया। तो ये वचन देने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं हम लोग आज निराशा के गर्द में डूबे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग आज परेशान बैठे हुए हैं, निराश बैठे हुए हैं, हतोत्साहित होगा। और प्रभु बोला कि ये घटना पहले भी घटा है, क्यों नहीं मानते हो तुम? क्योंकि प्रभु जो है हमेशा कुछ कहता है तो उसके पीछे प्रमाण दे देता है कि पहले भी तो घटा था ये घटनी, पहले भी तो ये घटना घटी थी, है ना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता और वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे लिए किया था। मैं बनाऊंगा आपको, मैं सेटल करूंगा आपको। और इसके संदर्भ में जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी दुख आएगी, जो भी बीमारी आएगी, जो भी परेशानी आएगी, उसको मैं खत्म करूंगा। कौन खत्म करेगा? मैं। इस संदर्भ में लड़ाई भी मैं ही लड़ूंगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं होगी। मिस्र की घटना आप लोगों को तो पता है ना, मिस्री कभी भी अपने छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे क्या? नहीं। अगर बहुत ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो मिस्र के लोग बहुत पुराने समय से गुलाम थे। उस समय आपको याद होगा कि यूसुफ भी वहां का, जब सेकंड कमांडेंट ऑफ चीफ बना तो वहां का राजा कौन था? कौन था राजा? फिरौन ही राजा था वहां। और अब जब मूसा जब छुड़ाने ले जा रहे हैं तब भी फिरौन ही राजा है। कितने सौ सालों से वो लोग गुलामी में था और फिरौन के पहले भी राजा था वहां, तरह तरह के राजा थे, लेकिन ये लोग गुलामी में बहुत पहले ही चला गया था। शुरुआती दौर में ये लोग प्रार्थना किया, कोशिश किया, लेकिन इन्होंने अपने गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे कि आज
मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, आज एक फैमिली आया था मेरे से मिलने, तो काउंसलिंग में मैं बोलने लगा कि लड़ना बंद नहीं करना चाहिए। लड़ना का मतलब ये नहीं कि अब सुने कि राजवीर बोल रहे हैं कि जाकर झगड़ा कर लो, लड़ लो। लड़ना अपने आप को प्रमोट करने के लिए। अब प्रमोट करने का दो तरीका इस समाज में आप देखे होंगे। एक तरीका है कि दूसरे को छोटा कर दो तो आप खुद प्रमोट हो जाओगे, और दूसरा तरीका है कि सिर्फ अपने आप को बड़ा करो, दूसरे को छोटा करने के प्रयास में ना रहो। तो हमारा समाज पहले वाला तरीका ज्यादा अपनाता है। हालेलुया। पहले वाला तरीका समझते हो ना, आपको गिरा देगा, आपका खराब कर देगा, आपका नुकसान कर देगा, है ना, आपको बढ़े नहीं दे देगा, आपको फेल करा देगा। ये पहला तरीका है जो साधारण लोग इसको बहुत अपनाते हैं। थ्री एडिट मूवी आई थी एक, उसमें एक था वो साइलेंसर नाम था उसको, सब मजाक में साइलेंसर नाम रखे हुआ था, करेक्टर था इसका, जिसका नाम जो हीरो था वो साइलेंसर रखते हुए था। तो वो बहुत पढ़ने में बेहद तेज दिखाया गया था, रट्टू तोता टाइप का, खूब मतलब पढ़ता था लिखता था, और एकदम उसको था कि मैं टॉप करूँगा। और जो दूसरा कैरेक्टर था दिन भर खेलता कूदता था, पढ़ता भी था, लेकिन वैसा नहीं, रटने वाले काम नहीं करता था। तो वो एक मंत्र देता था अंतिम दिनों में, परीक्षा के दिनों में। वो करता क्या था कि अपना तो पढ़ाई कर लेता था, अपना पढ़ लिया पूरा साल। अब कुछ बच्चे हैं जो साल के आखिरी में पढ़ाई करते हैं, एक दो महीना आएगा तो जगेगा वो, है ना। जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं कि रिट्रीट के चार दिन पहले जगते हैं, अब रिट्रीट आने वाला है, पूरा एक महीना से उसको नहीं समझ में आएगा रिट्रीट आने में, चार दिन पहले वो जगा कि अच्छा अब तो रिट्रीट आएगा, है ना। तो वो एक सालों भर पढ़ता था तो उसको सब चीज पता रहता था। तो वो करता क्या था कि अब उससे नंबर उसका किसी और का बढ़े नहीं, तो एक काम करता था, जितनी गंदी मैगजीन और किताबें हैं अपने से खरीदता था फ्री में, और सब बच्चे लोग के हॉस्टल में जो बच्चे रहते थे उनके दरवाजे के नीचे से सरका देता था। अब बच्चा जो पढ़ रहा है, देखा नया मैगजीन आया है, नया तरीका का फोटो है, अब उसको रात में बैठते देखते देखते देखने लगा, अपना पढ़ाई छोड़ दी। क्या हुआ इस संदर्भ में, वो जो काम करना चाहता था, पढ़ना चाहता था, पढ़ नहीं पाए। ये फॉर्मूला वो बता रहा था कि खुद जब तरक्की बहुत नहीं कर सकते हो तो दूसरे को खराब कर दो तो उसका लेवल बढ़। ठीक, ये हमारे समाज का सोच है कि आप गांव देहात में देखोगे ना, उसका फसल ठीक नहीं हो रहा था, दूसरे के फसल में भी कीड़ा छोड़ देगा, मवेशी छोड़ देगा, कुछ कर देगा। आप सुनोगे तालाब वालाब में ना लोग कुछ डाल देता है जिससे मछली मर जाए, बहुत सारी घटनाएं घटती। लेकिन दूसरा ये तरीका है कि हम किसी और के चक्कर में नहीं रहते हैं, दिन रात हम काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं कि हमारा विकास कैसे हो, चाहे वो आत्मिक तौर पे हो, चाहे शिक्षा के तौर पे हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे शारीरिक तौर पे हो, हमारा विकास कैसे। तो मेरा मानना है कि ये दूसरा वाला तरीका हम लोगों को अपनाना चाहिए, और इसी संदर्भ में हम लोगों को बता भी रहे थे, सबको बताते रहते हैं, आज उनको भी बता रहे थे कि आपके जीवन से अगर गरीबी नहीं जा रही है तो इसके लिए आप करें क्या रहे। मैंने पूछा कि आपके घर में कितने लोग हैं, उन्होंने कहा कि पांच या छह लोग हैं। हम कि छह लोग मिलकर अगर मजदूरी करें तो यहाँ का दिहाड़ी 350 रुपया या 400 रुपया, 2500 रुपया कहीं नहीं जाता रोज का, महीने का कितना हुआ 60 और 5 75,000 रुपया। अगर आपको सही में लगता है कि आप गरीब हैं तो अपने गरीबी को हटाने के लिए सबसे अच्छा है कि मजदूरी कर लीजिए, 75,000 रुपये महीना आएगा। और ये काम आप देखते होंगे कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी काम करने में कोई बुराई नहीं है। नहीं तो दूसरा है कि जैसे लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं कि पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, वो 18 घंटा पढ़ रहे हैं, 20 घंटा पढ़ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो गरीबी परिवार से हैं, स्कॉलरशिप लेके पढ़ रहे हैं, किताब किसी से उधार मांग के पढ़ रहे हैं, जुगाड़ करके पढ़ रहे हैं।
कैसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये तीसरा तरीका है हमारे बच्चों को आज, वो ना पढ़ाई कर रहा है, ना मजदूरी कर रहा है, ना कोई व्यापार के बारे में सोच रहा है, वो सारा दिन बैठ के सोच रहा है मम्मी कुछ की नहीं, पापा कुछ किए नहीं, उस स्कूल में एडमिशन हो जाता तो पढ़ लेते, उस कोचिंग में पढ़ाई दिया जाता तो पढ़ लेते, विदेश भेज दिया जाता तो पढ़ लेते, एसी खरीद दिया जाता तो पढ़ लेते, ये कपड़ा खरीद दे दिया, ये मोबाइल खरीद दिया जाता, वो दिन भर इसी गुना भाग में रहता है और कहता है कि झारखंड सरकार में भारत में बेरोजगारी बहुत है। क्या अमित आपने अपने आप को प्रमोट किया? नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और आप लांछन किस पे लगा रहे हो? सामने वाले पे। लोग यहां, मेरे पास कुछ दिन पहले एक महिला आई थी, मैंने पूछा क्या की हुई है, बोली बीएड। मैंने कहा तो अभी मेरे पास क्यों आई? तो भैया हम लोग का सैलरी बंद हो गया, हजारीबाग में पढ़ाते हैं, सैलरी बंद हो गया। मैंने कहा क्यों? तो कोरोना का टाइम है, ये कोरोना जब सेकंड सीजन में था कि फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन। तो मैंने कहा अभी क्या करती हैं? बोली पकौड़ी बेचते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये किस्सा। मैंने कहा बच्चा तुम पकौड़ी बेचती हो कहाँ? तो बहू बाजार। आप भी किसी दिन आइए, गाड़ी रोकिएगा, पकौड़ी खिलाएंगे। मैंने उससे पूछा तुम पकौड़ी बेचती हो और बोल रहे हो कि हम बीएड किए हुए हैं और पढ़ाती कहाँ हो? तो हजारीबाग में। तो हजारीबाग में अभी ऑनलाइन क्लासेस होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस में तो पैसा वो लोग देता नहीं है या बहुत कम देता है, ना के बराबर। तो हम यहाँ बहू बाजार में अपनी एक रूममेट है, घर तो जाएंगे नहीं, इज्जत चला जाएगा। अब नौकरी करने के बाद घर से पैसा लेंगे तो कैसा लगेगा? घर वाले भी उतने बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति में नहीं हैं, तो हम यहीं बहू बाजार में ही रह गए हैं। एक मेरी महिला मित्र हैं, उन्हीं के साथ रूम शेयर किए हुए और पकौड़ी बेचते हैं। मैंने कहा कितना कमा लेती हो? तो बोली रोज का 500 रुपये। मैंने कहा कैसे? तो भैया 300-400 रुपये का मेरा सामान लगता है पकौड़ी में, बेसन, हल्दी, नमक, गैस, ये सब लेके लगता है, और थोड़ा सा डीप लिपस्टिक लगाते हैं। मैंने कहा डीप लिपस्टिक का क्या है भैया? बहुत ग्राहक आता है भैया, एकदम गरम गरम पकौड़ी छान छान के देते हैं, है ना, 700-800 रुपये का पकौड़ी मेरा बिक जाता है। 250-300 रुपये का लागत होता है, 700-800 रुपये में पकौड़ी बेचते हैं, 2 घंटा का बिजनेस है मेरा, है ना, 15,000 रुपये महीना आता है, घर चल रहा है, बहुत सुखद जीवन है। मुझे उन बच्चों पे प्राउड फील होता है, मैं उस पर हंसा नहीं, मुझे उस पर प्राउड फील हुआ कि वो कुछ कर तो रही है, वो किसी को कंप्लेन तो नहीं की। आज 80% बच्चे हैं कंप्लेनिंग नेचर के हैं, वो अपने आप को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। अब बिजनेस करने भी जाएंगे तो सोचेंगे क्या है, पापा कहीं से पैसा ला देते 2-4 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, तब बिजनेस करेंगे ना। बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए ना। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन का जब आप हिस्ट्री देखोगे ना, तो उसको कोई बाबूजी पैसा नहीं दिए थे उसको, चाहे अंबानी को कोई पिताजी नहीं दिए थे। अडानी जिसका बहुत नाम सुनी है, इन दिनों बहुत चर्चा में रहे अडानी जी, वो भी पहले साइकिल पे साड़ी बेचते थे घूम के, और बहुत पहले नहीं, थोड़े दिन पहले की बात बता रहे हैं। उनके कोई पैतृक उनका बिजनेस नहीं, जो भारत विश्व के दूसरे या तीसरे नंबर के धनी हैं अडानी, जो अपने देश के हैं, जो विगत कुछ दिनों पहले बहुत चर्चा में थे। अंबानी को आप जानते हो कि पेट्रोल पंप पे काम करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, अगर वो ऊपर गए हैं तो उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया है। अब अगर शिक्षा के दृष्टि में आते हैं तो हमारे कलाम साहब थे जिनको खाने के लिए नहीं था, लेकिन पढ़ लिख के वहां बन गया। राजेंद्र प्रसाद थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वो वहां पहुंच गए। आप कम से कम अपने, हमारे यहां के एक समाज का एक वर्ग हो गया है जो कुछ भी नहीं करना चाहता। हमारी अगुआ हमको सुनाती हैं कि बचपन में हम लोग भी सब्जी खेत से तोड़ के बेचने जाया करते थे। कौन सा शहर है उनका? तोरपा। तोरपा में बेचती थी, फूल का खेती करती थी, फूल बेचती थी,
अपर बाजार से यहाँ सामान लेके जाया करती थी और वहाँ माला बेचा बना के और भी बहुत छोटा छोटा काम करके पैसा कमाने का प्रयास करती थी। आप किसी भी क्षेत्र में जाके अपने आप को प्रमोट करने के लायक नहीं हो। मैंने आपको बोला आप मजदूरी नहीं कर रहे हो और आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो। गवर्नमेंट ने इतने सारे स्कॉलरशिप लगा रखे हैं बच्चों के लिए, वो चाहे जिस जाति धर्म से आता हो, तरह तरह के यहाँ शिक्षा के लिए, शिक्षित होने के लिए। आप सुनते हो गए रिक्शा चलाने वाले का बेटा डीएम हो गया, सुनते हो ना? उसको तो कुछ नहीं है, वो तो जानता है कि मैं नॉर्मल, मुझे टेंथ करना होगा, नॉर्मल ट्वेल्व करना होगा, नॉर्मल ऑनर्स करना होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, बीएड करने के लिए, नर्सिंग करने के लिए और तरह तरह के काम करने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे पिता के पास है नहीं, तो ये नॉर्मल तरीका से मुझे सरकारी कॉलेज से पढ़ना होगा, स्कॉलरशिप लेना होगा और फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे सरकारी नौकरी करना। इसको कहते हैं अपने आप को प्रमोट करना, अपने आप को धक्का देना। आज समाज के एक वर्ग को, हर वर्ग को चाहिए कि अपने आप को पुश करे, पुश योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को धक्का नहीं दे रहे हो तो आप अपने आप को खुद से ही नीचे धक्का दे रहे हो। अगर आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को नीचे धक्का दे रहे हो। और यही काम इसराइली जनता करने लगा था, वो थक गया था। हालेलुया। जैसे आज के बच्चे और आज के लोग थक गए हैं ना, उनके दिमाग में बैठ पड़ा है कि कोई आएगा, जादू का छड़ी चलाएगा, घुमाएगा, अचानक से कुछ करेगा, हो जाएगा। बेटा उठ जाओ, अभी तो मम्मी सोए थे। अभी कब सोए थे? तो 10:30 बजे रात में। अभी क्या टाइम हो रहा है? तो 8 बज रहा। अरे तुम्हारी नींद तो खुलती ही नहीं है। मम्मी खराब है, पापा खराब है। मैं हैरान उन लोगों पर रहता हूं जिनको सुबह जगने के बाद यह समझ में नहीं आता है क्या करें। कभी इस सोफा पे बैठेगा, कभी उस कुर्सी पे बैठेगा, कभी वहां रूम में बैठेगा, कभी आधा घंटा जमाई लेगा, कभी पानी मारेगा, कभी अब सोचेगा कि ब्लैक कॉफी पिए कि प्लेन कॉफी पिए, क्या करें। इसका मतलब कि उसके लाइफ में गोल नहीं है। वो आदमी जी रहा है? नहीं, जी नहीं रहा है, ढो रहा है अपने लाइफ। हम लोग यहां उठते के साथ पता लगता है कि अच्छा इतने बजे से समय है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे। अगर आपका जीवन का रोज का लक्ष्य नहीं पता है, कलाम साहब कहते थे कि सपना वो नहीं होता है जो आप सो के देखो, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता, पता है कि नहीं? लेकिन बच्चों की नींद नहीं खुलती। मैं कल 2:45 में सोया हूं सुबह के। मेरी अगुआ भी अब 2:45 में ही सोई होंगी, क्योंकि मैंने उनको उसी समय फोन किया था। वो फोन ली है और लेने के बाद मुझे पता लगा कि वो नहीं सोई है, क्योंकि सोने के बाद कैसा है। और हम लोग यहां 9:30 बजे थे, इसका मतलब हम 9 बजे घर से निकले होंगे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि 48 घंटा का समय रहता ना तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या अमित, थोड़ा सा मैनेज हो जाता, समय ही कम पड़ जाता है। कई बार मैं स्टेटस नहीं देख पाता हूं लोगों का, मैंने इसीलिए स्टेटस देखने को हाइड कर रखा है, लोग नाराज हो जाते हैं। या व्हाट्सएप नहीं देख पाता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं, समय नहीं है। कल रात में एक भाई मुझे फोन किया, बोला भैया मछली भेज दूं। मैंने कहा रात का 11 बज रहा है, अभी मैं बाहर से आया हूं, छोड़ दे भाई, सुबह जल्दी जगना रहता है। बोला मतलब? मैंने कहा रात में ज्यादा खा लूंगा, सुबह में अनकंफर्ट रहूंगा, दिन में काम नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए रात में कम खाऊंगा। आप ऐसा कभी सोच पाते हो? नहीं सोचता होगा कोई भी आदमी। हम लोग ये खाने के समय में सोचते हैं कि ये डाइजेस्ट कब होगा, इससे मेरे काम पे असर पड़ेगा कि नहीं, इससे सेहत पे असर पड़ेगा कि नहीं, कल मेरा पूरा का पूरा दिन हैम्पर हो जाएगा, नहीं सोचते हो गया। और ये सारी समस्याएं जो आज है, ये इसराइली जनता के पास भी थी। वो थोड़े दिन लड़ा, उसके बाद थक गया, अब तो कोई कुछ आएगा नहीं, कुछ होगा नहीं, हमारे जीवन की समस्याएं जाएगी नहीं। आज भी ये सारे लोग सोच रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको थोड़ा सा अलग हट के बताया कि आप अपने आप को धक्का दो भाई, धक्का दो। सिर्फ बात आत्मिक होने की नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को आप बदनाम कर रहे हो। गरीब जीना, गरीब पैदा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी गरीब पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि धीरू भाई अंबानी के घर में जो पैदा होता होगा वो कवच कुंडल और सोना लगा के जन्म लेता होगा, वो भी नंगा ही पैदा होता है ना। या बिल गेट्स का जो बेटा हुआ होगा एकदम पूरा डॉलर लिए हुए निकला होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो भी नंगा ही हुआ होगा।
कलाम साहब जब अपने अपने मां के गर्भ से निकले होंगे वो भी नंगा ही निकले होंगे, और बिल गेट्स का बच्चा जब निकलता होगा अपने मां के गर्भ से तो भी नंगा ही निकला होगा। आपने उस संदर्भ में काम नहीं किया, आप सिर्फ गलती ढूंढ रहे हैं अपने मां बाप के, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने सरकार का, अपने देश का, अपने मुखिया का, अपने डीएम का, इसी में आप अपना सारा समय व्यतीत कर दिए हैं। और कुछ बच्चे वही हैं जो इनकी कमी नहीं ढूंढ रहे हैं, वो स्कोप ढूंढ रहे हैं मार्केट में कि मुझे स्कॉलरशिप कैसे मिल जाएगा, मुझे कौन सा वो एनजीओ मिलेगा कि जो पढ़ाई में सपोर्ट कर देगा, मुझे वो कौन सा कॉलेज मिलेगा जो फ्री पढ़ाता है, वो कौन सा कोचिंग है जो मुझे पढ़ाता है, वो कौन सा दोस्त है जो मुझे गाइड कर सकता है, उसके पीछे पीछे घूमता रहता। मैं एक धोनी की मूवी देख रहा था, उसका एक मित्र था, बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट मारता था। धोनी उसको बोलता था भाई सिखा देना, भाई सिखा देना, समोसा खिलाएगा? हाँ खिलाएंगे। जिस समय वो दिखा रहा था उस मूवी में, वो दिखा रहा था कि वो आदमी A1 प्लेयर था क्रिकेट का, और धोनी एकदम उसके पीछे 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 जा रहा था। अगर आपको किसी से सीखना है तो आपको झुकना होगा ना, लगना होगा ना उस पर, वहां टाइट हो गए, सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे, नहीं सिखाओगे जाओ। बच्चे झुकना ही नहीं चाहते हैं, समाज के लोग झुकना ही नहीं चाहते। भाई सिखा देना, सिखा देना, सिखा देंगे, समोसा खिला के सीखा। बाद में देख रहा है कि धोनी का सिलेक्शन हो गया, उसके खुशी में वो दारू पी रहा, वही दोस्त। क्यों? बहुत खुश है, मेरा भाई आज इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्टेड हो गया, दारू पी लेना। धोनी बोला दारू पिएगा कभी भी क्रिकेटर नहीं बन सकता। ये धोनी को पता था कि ये काम करेंगे तो मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा, हम बहुत लंबे समय तक नहीं जा सकते। आपको अपने आप को प्रमोट करना होगा, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। और प्रभु उसी संदर्भ में आज कह रहे हैं, मैंने आपको चार कैटेगरी बताई आज, मजदूरी कर लो भाई, अगर लगता है ये पढ़ नहीं सकते हो तो कम से कम किस बात का वेट कर रहे हो, जब पढ़ना ही नहीं है तो मजदूरी में जाओ ना, पहले से कमाओ, घर में पैसा दो, अगर नहीं तो पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ के कुछ कर सकते हो तो सब्जी भाजी बिजनेस कोई भी छोटा रोजगार तो कर लो। अगर ये सब नहीं कर सकते हो तो क्यों जी रहे हो, ये भी सोच लो। जी किस लिए रहे हो ये सोच लो, और भविष्य में आपका जीवन क्या होगा ये सोच लो। अब सोच लो कि कैसे करना है। ये समस्या आज की नहीं है, ये हमारे परिवेश की समस्या है। ये इसराइली जनता ठीक इसी प्रकार का था, खा के सो जाता था, चार पांच को ईंटा बना लेता था, ठीक है गुलामी से जीवन कट रहा है, लहसुन प्याज मिल रहा है, जीवन चल रहा है, और कोई बात होता था तो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाता था वो लोग, ईश्वर मेरे जीवन को खराब कर दिया, हम लोग यहाँ गुलाम बन गए हैं, माँ बाप ठीक नहीं है, टीचर ठीक नहीं है, कुड़कुड़ाता था वो, अपने आप को कभी भी प्रमोट नहीं करता था, धक्का नहीं देता। लेकिन प्रभु कहा कि जैसे मैंने उन लोगों को निकाला वैसे ही आज आप लोगों को निकालूंगा। हालेलुया। आप अपने आप को धक्का भी नहीं देंगे, लेकिन ईश्वर कह रहा है कि मैं कृपा करूंगा, करूंगा मैं कृपा आप पे। तो कैसे किया इसराइलियों पे कृपा प्रभु ने? इसराइलियों पे कृपा करने के लिए मूसा को भेजा, और बहुत इंटरेस्टिंग घटना घटी। मूसा को जब भेजा तो फिरौन नहीं मान रहा था, एक बार नहीं माना, दो बार नहीं माना, तीन बार नहीं माना, चार बार नहीं माना। आपके भी जीवन में देखते होंगे कि बहुत बार लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, फिर नहीं होता, फिर थोड़े दिन बाद लगता है अरे इस बार बदलने वाला है, पक्का पक्का, फिर लगा जा 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 रह गया, फिर छह महीने के बाद लगा अरे इस बार तो पक्का ये किक मिलने वाला, फिर गया, है ना, ऐसा लगता है ना कि ये होप है, एकदम इस बार पेमेंट आ जाएगा YouTube से। एक मेरे भाई हैं, है ना, उनको बीच बीच में काम आता है, मैं अपनी बात नहीं बताता, उनको लगता है 10,000, 20,000, 50,000, और मेरे से कहते हैं भैया कर लो, मैंने कर लो, एक होप जग जाता है। और मैं किसी के होप को तोड़ता नहीं, लेकिन काम करते करते क्या होता है, बीच में रुक जाता है। हमारे यहाँ बच्चे हैं, वो पीटी निकालेंगे, मेन निकालेंगे, मेन तक भाई भाई में जाकर छट गए, कोई पीटी में छट गया,
कोई एक नंबर से एसएससी निकल नहीं पा रहा है, किसी का 10 नंबर से नहीं निकल रहा, सबके साथ में है, उसका होप गड़बड़ हुए, एकदम लग रहा है कि एकदम सिरे तक पहुंचा, लेकिन जा, हाँ या नहीं, सबके साथ, अभी लगता है कि कल तो मेरा शादी पक्का फाइनल हो जाए, लेकिन ऐन वक्त पे मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर नए सिरे से तैयारी, लगता है कि इस बार आर्थिक तंगी चली जाएगी, लगता है इस बार कर्ज हट जाएगा, लगता है इस बार नौकरी हो जाएगा, है ना। हर आदमी के जीवन में समस्या है, और यही चीज मिस्री के साथ भी हो रहा था, जो लोग मिस्र देश में थे उनके साथ भी यही हो रहा था। मूसा गया तो एक राउंड नहीं, पहले गया दिखाया, फिर फिरौन इनकार कर गया, फिर दिखाया, फिर फिरौन इनकार कर गया, फिर दिखाया, फिर फिरौन इनकार कर गया, है ना, चिन्ह चमत्कार दिखाने की मैं बात कर रहा हूँ, फिरौन इनकार कर देता था, लोकता था, बाद में ना मिस्र में जो लोग रहते थे वो भी मूसा को ना हल्के में ले ले लेंगे, बोले क्या, हाँ फालतू का यहाँ लगे हो, इतना दिन से ट्राई कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, जाओ जाओ निकलो। आपके इर्द गिर्द में जो लोग होंगे जो आपको गाइड भी करते होंगे ना, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, अब उससे भी चिढ़ मचने लगा, यहाँ रोज यही कहानी सुना रहे हैं, यही किस्सा सुना रहे हैं, कुछ होता जाता तो है नहीं, उससे भी चिढ़ मचने लगा, है ना। कई लोग तो मेरा शकल देख के भी सोचता होगा, मैं एक साल से आता है, रोज बोलता है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, है ना, कुछ हुआ तो है नहीं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि उनकी समस्याओं का मैंने समाधान किया, कैसे किया, मूसा थक गया, मूसा थक के, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, मूसा, वो बता दूं कैसे लोग मूसा पे चिढ़ गया था, वो जान लीजिए कि पहले भी ऐसा ही होता था, है ना। जब निर्गमन 5 को पढ़िएगा, 5:22-23 पढ़िए तो रोहित भाई। निर्गमन 5:22-23, तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की, और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा, जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। यहां तक हालेलुया। इतना परेशान हो गया कि फिरौन जाके ईश्वर से भड़क गया, बोला कि क्या प्रभु, इतने दिनों से मैं जा रहा हूं, कभी तुम टिड्डी भेजते हो मेरे माध्यम से, कभी मेढक भेजते हो, कभी कुछ करते हो, फिरौन सुधरने का नाम नहीं ले रहा, अब ये सारा जनता भड़का हुआ है ना। आज कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लगता होगा, क्या मतलब, रोज 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 रोज, लेकिन प्रभु ने वहां कहा, बहुत सुंदर लाइन कहा, पढ़ लीजिए ना रोहित भाई, आपको भी अच्छा लगेगा। 6:1, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उसको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। हालेलुया। प्रभु बोला कि देखो, मजाक नहीं, अभी देखो मैं क्या करता हूं, कैसे फिरौन मिस्री लोगों को निकालेगा, मतलब कैसे इसराइली जनता जो मिस्र में फंसे हुए हैं उनके जीवन की समस्या मैं समाप्त कर देता हूं, तुम देखो, है ना। वैसे ही आज प्रभु ये कह रहा है कि आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की मैं समस्या समाप्त कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि कुछ धक्का आप भी दे दीजिए अपने आप को, है ना, और समाप्त किया भी, और आप जानते हैं फिर वहां इसराइली जनता निकली, और निकल के जब बाहर आई तो कैसे प्रोटेक्ट किया उनको,
कभी ये समझिएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा कि ईश्वर पिता, पिता ईश्वर कितने सामर्थी हैं, ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जो दूसरे वचन में कहा गया है ना, आगे चलूंगा, कैसे प्रोटेक्ट किया है। जब आप ये देखिएगा वो करता क्या था कि आगे इन लोगों को तकलीफ नहीं हो तो दिन में बादल का एक खंभा चलता था आगे आगे। सोचो कोई खंभा टाइप का सामान अपने आप चल रहा हो, ना नीचे व्हील हो, ना नीचे कोई ट्रॉली लगा हो, ना नीचे कोई प्रोटेक्शन हो, वो ऐसे चल रहा है। जैसे मान लो आप मूवी वूवी में देखते हो ना, ये माइक देखो मेरा, लाइक खंभा ये चल रहा है मेरे आगे। हालेलुया, ये चल रहा है और इसी को देख के मैं चल रहा हूं। ये जिधर जिधर से राइट हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया, स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा। तो दिन में ये सिस्टम प्रभु लगा के रखते थे कि एक बादल का खंभा होता था, जिसको मेघ का भी खंभा कहा गया है ना, वो बादल का खंभा आगे आगे चलता था गाइड करने के लिए कि आपको जाना किधर से। और ठीक उसी खंभे को रात में तब्दील कर देते थे आग के खंभे में। आग के खंभे में क्यों तब्दील किया जाता था? दो घटनाएं घटती हैं आग से, एक तो उजाला होता है, दूसरा आग का मोटा खंभा अगर आपके आगे चल रहा है तो उससे इतनी लौ निकलेगी कि आपको सर्दी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा जब हम लोग वाइल्ड लाइफ लाइफ लीड करते हैं, मतलब जंगल वंगल में हम लोग जाते हैं, तो हम लोग अपने चारों तरफ छोटा छोटा ना लकड़ी लगा देते हैं। क्यों? तो लकड़ी लगाने से वहाँ जितने ऊपर वाष्प, वो आग जाता है, वाष्प बनना बंद हो जाता है। जब हम लोग भी आराधनालय का काम करते थे ना, तो रात में हम लोग आग जला के सोते थे, जला के रहते थे। क्यों? तो ओस हमारे सर पे नहीं गिरे, गर्मी से ओस पानी हट जाता। तीनों फायदा होती थी वो लोग। ईश्वर पिता इतना प्रोटेक्शन कर रहे थे उन लोगों का और निकाल के ले आए। समस्याएं भी आई, समस्याएं आने के पीछे एक बार जैसे बीच में ये कीर्ति बहन भी आई थी तो इस चीज पे जोर दी थी कि वो जान के उन लोगों को लाल समुंदर के बीच में ले गया था। वहां से एक शॉर्टकट रास्ता था, लेकिन वो जानता था कि ये लोग भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि ये लोग फाइटर नहीं थे। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये लोग अपने आप को प्रमोट करने वाले लोग नहीं थे, ये दे आर लेजी पीपल, ये मतलब एकदम आलसी टाइप के लोग थे। जैसे समस्या देखेंगे बड़ से भागेंगे, फटाक से भागेंगे, एकदम वहीं जाके रहेंगे, गंदगी में भी रहेंगे, लाचारी में भी रहेंगे, गरीबी में भी रहेंगे, समस्या में भी रहेंगे, लेकिन ठीक है यहीं रहने दो ना यार, यहीं रहने दो ना, कहां हिलाओगे हमको। तो ये बात पिता ईश्वर जानते थे, इसीलिए बोले कि ना ना शॉर्टकट वाला रास्ता से जब ले जाएंगे, जब कोई समस्या होगा भाग के पीछे चले जाएंगे। आज आपके समाज में, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा भी काम करने के लिए बोलिए ना, ठीक है वहीं भैया नमक रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, परमोट नहीं करेंगे अपने आप को, चेंज नहीं चाहिए लाइफ में, कंफर्ट है भैया। और उसको नाम देगा, मेरे लाइफ में बहुत हेडेक नहीं है, हमको ना बहुत कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हैं। अरे संतुष्ट हैं ठीक है, लेकिन अब भैया निकलो, कुआं से बाहर आओ, दुनिया में बहुत जगह चीजें हैं जहां आप अपने आप को देख सकते हो। वचन पढ़ते हैं निर्गमन 13:17। निर्गमन 13:17, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिसीतियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पश्चता कर मिस्र को लौट आए। बताया ना मैंने कि पिता जानते थे कि जब समस्या होगा ये भागाएगा। इसी कारण से दो रीजन था, एक तो जानता था कि समस्या आएगा, छोटा रास्ता रहेगा, भागाएगा,
और दूसरा कि इस रास्ता में जब फिरौनी सेना आएगा, इन पे जो समस्या आएगा तो उसको मारेंगे कैसे। तो पिता ने एक नया प्लान बनाया। एक तो अपनी महिमा, देखो कितना शक्तिशाली है, क्योंकि फिरौन के पास से निकालने के बाद भी इसराइली जनता को यह समझ में नहीं आई थी कि ईश्वर कितना शक्तिशाली है, वो बहुत हल्के में ले रहा था। तो ईश्वर अपने आप पावर दिखाना चाहता था, तो पावर दिखाने में दो तीन काम किया वो। एक तो समुन्द्र को दो भाग में बांटा, है ना, देखो समुन्द्र दो भाग में बढ़ जाएगा। दूसरा, समुन्द्र को ही क्यों क्रॉस कराया ये समझिए, निकलने का तो रास्ता दे दिया, वापस आने का के लिए फिर समुन्द्र खोलने का सिस्टम नहीं था, वो जानता था ये अब समस्या आएगा तो भागो, पीछे तो समुन्द्र है, तो जा नहीं सकते हो मिस्र में वापस। तो प्रभु जब किसी से प्रेम करता है, एक बहुत गहरी बात समझिएगा, जब प्रभु प्रेम करता है, उसी को यजकेल में कहा है। यजकेल में क्या कहा है पढ़ तो भाई रोहित, 40:41, जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों में जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। हालेलुया। मिस्र देश से जब ये लोग निकाला गया तो उस देश में और भी लोग होंगे कि नहीं होंगे? तितर बितर किया, सबको अलग किया, अपने लोगों को अलग किया, जो लोग इनके लोग नहीं थे उनको अलग किया। बाय फोर्स जब प्रभु हमसे प्यार करता है ना, तो चॉइस देना छोड़ देता है, बाय फोर्स हमें अच्छा करता है। लेकिन जो उनको जिनको वो चुन लेता है, बुलाए हुए बहुत लोग हैं, चुने हुए बहुत कम लोग। जब वो चुन लेगा, वो जान जाएगा कि ये बच्चा सिर्फ मेरा है, तो वो आपको कैसे भी करके ऐसा बना देगा कि प्रेरित 1:8 में क्या लिखा पढ़ो तो भाई। प्रेरित 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु कह रहा है कि जब मैं अपने सामर्थ्य से भरूंगा, जब अपनी शिक्षा से भरूंगा, जब अपने शक्ति से भरूंगा, तो लोग जान जाएगा कि कौन हो, और आपको देख के, आपके गवाही को देख के, आपके जीवन को देख के विश्वास में आ जाएगा, शक्ति को जानेगा, पवित्रता को जानेगा। तो इन लोगों को निकालने के लिए ये सारा प्लान किया गया था। कभी आप नॉर्मल समझोगे कि मिस्री भाग आए, लाल समुंदर चीर दिया गया, लेकिन इसके संदर्भ में पिता की क्या योजना थी आज सुनिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। तो जानते थे कि मिस्री आलसी लोग हैं, ये अगर शॉर्टकट से होगा तो भाग जाएंगे। तो इन्होंने ये संदर्भ चुना कि नहीं, समुद्र वाले रास्ते से लेके जाते हैं, और सारी योजना पिता बना लिए, अच्छा क्या करना है, बुरा क्या करना। तो अच्छा ये करना है कि ये लोग को सामने जब समुद्र दो भाग में बटेगा तो थोड़ा सा इन लोगों के दिमाग में आएगा, अच्छा पिता शक्तिशाली है। दूसरा, जब फिरौन की सेना मारने आएगा तो उसी समुद्र में बांध दिया जाएगा। तीसरा, जब ये लोग कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके भागने जाएगा तो पीछे रास्ता नहीं मिलेगा। देखिए, एक समुद्र के पास ले जाके कितना सारा काम किया। आपके जीवन में जब कोई समस्या आए तो समझना कि पिता की इसके बीच में कितनी सारी योजनाएं होगी जो आपको अभी नहीं समझ में आएगी। और पिता इस बार प्रोटेक्ट कैसे कर रहे थे, जैसे मैंने बताया ना कि आपको बादल का खंभा आगे आगे चल रहा था, और ये लाइट के लिए आग का खंभा भी हो रहा था। रोहित भाई ये भी वचन पढ़ ही दो ना आप लोग। इक्कीस है, पढ़ लो। निर्गमन 13:21, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। हालेलुया। सारा काम कर रहा था, और वैसे ही प्रभु आज आपके लिए भी कह रहा है,
कि मैं सारा प्रबंध कर दूंगा, लेकिन समस्या मैं क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूं, आज आपके जीवन में जो भी समस्या आने दे रहा है वो लाल समुंदर, वो जान रहा है आपकी दुर्बलता, कहां भागोगे, कैसे भागोगे, क्या हो जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा। तो बीच बीच में जो लाल समुंदर आ रहा है, बीच पीछे से फिरौन की जो सेना भेजी जा रही है, जो गरीबी है, जो बदहाली है, चिंता नहीं करिए, प्रभु इस बारे में भी जानता है, आपकी दुर्बलता को जानता है, आपकी समस्या को जानता है, वो निकाल देगा। और प्रभु आज कमिट कर रहा है कि वो आपको निकालेगा, ऐसे वैसे नहीं निकालेगा। कैसे निकालेगा, 30 पढ़िए व्यवस्था विवरण 30 का 1, 1 का 30। व्यवस्था विवरण 1 का 30, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया था। प्रभु कहा कि मिस्र में जैसे मैंने लड़ा था उन लोगों के लिए, वो तो याद होगा, उसी प्रकार मैंने आपके बाद से लड़ूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको विभिन्न रूप से आपको इसलिए बताया कि आप समझिए, आप ये कहने के बाद भी आपके दिमाग में आएगा कि ये सारी समस्याएं क्यों हैं, जब आप कह रहे हैं कि लड़ रहे हैं, तो ये सोच मिस्र में जितने लोग निकल गए थे, निकलने के बाद भी वो सोच रहे थे कि लाल समुंदर क्यों है, फिरौन की सेना पीछे क्यों है। तो वो हमें मजबूत करना चाहता है, हमारी कमियों को, हमारी दुर्बलताओं को हमारे सिरे का हिस्सा बना के उसी को सीढ़ी बना के आगे भेजना चाहता है। ये प्रभु के काम करने का तरीका। तो मैंने दोनों तरीका से आज ये समझाया कि अगर आप चाहते हैं कि प्रभु और अधिकाई से आपके जीवन में काम करे, थोड़ा सा अपने आप को धक्का दीजिए, हालेलुया, थोड़ा सा धक्का दीजिए, प्रमोट योरसेल्फ, सपोर्ट योरसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट कर लो भाई, अपने आप को धक्का दे लो, किसका वेट कर रहे हो आप। और सबसे ज्यादा तरस तो आज के नौजवान बच्चों पर आता है, मैं सोचता हूं कितने देर सोएंगे तो उनकी नींद पूरी होगी, कितना खाएंगे वो तो उनकी पेट भरेगी, और कहां घूमेंगे तो चिल करेंगे। याद रखना ये बात मैं क्या बोल रहा हूं, अरे थक गए हैं, आराम करने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, कुछ स्पाइसी हो जाता ना, कुछ चटपटा टाइप का, कुछ इस टाइप का होता ना, है ना, बहुत दिन से यही रूटीन जी के ना बोर हो जाते हैं, कुछ घूम लेते। ये तीन वर्ड ना सुन सुन के ना मैं, मेरा ना सर घूमता है ना। तो इसका मतलब यह है, ये तीन वर्ड जो सबसे ज्यादा बोल रहा है आपके इर्द गिर्द में, इवन यू ऑल्सो, आप जो मुझे सुन रहे हो, अगर आपके दिमाग में या आपके मुंह पे आ रहा है, इसका मतलब कि आपके लाइफ में ना कोई काम है, ना कोई गोल है, ना किसी बात का टेंशन है, ना कोई अचीवमेंट है, कुछ चाहिए ही नहीं आपको, इसीलिए आपको रूका डैम की याद आ रही है, इसीलिए आपको सिलीगुड़ी जाना है, इसीलिए आपको हिमाचल जाना है, इसीलिए आपको नैनीताल जाना है, इसीलिए कहीं जाना है। या तो आप फुली सेटल हो गए हैं या सेटलमेंट की चिंता नहीं है, दो ही कंडीशन में लोग घूमने का बात सोचता है। अब रिक्शा चलाने वाले को सुबह में जाके पूछिए, भाई चलेगा शिमला, क्या बोलेगा तुमको, शाम में मेरी मैया बाबू को तू खिलाएगा शिमला ले जाके, निकल यहां से, है ना। जिसको सही में रोटी कपड़ा मकान और बेसिक चीज की आवश्यकता है, वो घूमने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। जिसका रेंट देना बाकी होगा, वो कैसे सोचेगा कि हम जाएंगे आज ड्राइव पे। जिसका बिजली बिल बाकी होगा, जिसके बच्चे का स्कूल फी बाकी होगा, कैसे जाएगा, वो जाएगा नहीं जाएगा। उसको पता है ना कि स्कूल फी देना बाकी है, घर का रेंट देना बाकी है, बिजली बिल देना बाकी है, राशन का पैसा कहां से आएगा, ये इन सब से अगर स्पेयर होगा तो भैया मोबाइल टूटा है वो खरीदना बाकी
है ना। अब इन सब से स्पेयर हो जाएगा तो अकाउंट में पैसा नहीं है, दो चार दस हजार रुपया जमा हो जाता कि शिमला जाके उसको उड़ा ले। तो दो ही कंडीशन में लोग ये तीन शब्द को इस्तेमाल करता है, या तो वो सेटल हो या उसको सेटलमेंट की कोई चिंता नहीं है। आप कहां हैं? वो अंग्रेजी का डायल है ना, थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में, आप कहां हैं? सेटल हो गए हैं तो जाइए घूम के आइए, और नहीं सेटल हुए इसका मतलब सेटलमेंट की चिंता नहीं है। मिस्र देश में जो लोग रहते थे उनको सेटलमेंट की चिंता नहीं थी, प्रभु ये जानता था, इसीलिए उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या लाया था कि ये प्रतिज्ञा देश पहुंचेंगे कैसे, लिफ्ट करा रहा था। एक गाना आया था ना, मेरी भी तो लिफ्ट करा दे, प्रभु उनको लिफ्ट करा के रखे हुआ था। वो जानता था कि भागेगा, बहुत तेजी से भागेगा ये आदमी को ना, ये नाली के कीड़े हैं, इनको नाली में रहने की आदत हो गई है, ये कुआं के मेंढक है, इनको कुआं के रहने की आदत हो गई है। कभी आप देखना कुआं के मेंढक को बाहर निकाल दो, कूद के कहां जाएगा, वो जाएगा ना। अब उसका जीवन अगर बदलना होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कुआं से बहुत दूर ले जाएगा किसी साफ सुथरा तालाब में, ताकि वो फिर वापस दोबारा नहीं आ सके। नहीं तो अगल बगल कितना भी दूर ले जाओगे तो कूदते कूदते कहां पहुंचेगा, वो कुआं में। ये प्रभु जान रहा था कि मिस्री लोग मेढक का, कुआं का मेढक है, भाग जाएगा, इसीलिए वो समुद्र का रास्ता चुना। लेकिन वो समुद्र का रास्ता चुना तो जीवन में समस्याएं हमारे लिए भी है। आज समुद्र चुन के रखा है प्रभु, जानता है कि हम कहां भागेंगे। छुट्टी होते हुए हमको किसको घर, किसके घर जाने का मन करता है पता है? उस मन से निकालने के लिए प्रभु विभिन्न तरीका का समस्या होगा करेगा, आपकी गरीबी से निकालने के लिए, आपकी परेशानी से निकालने के लिए, आपके बदहाली से निकालने के लिए। प्रभु जो प्लान बना के रखा है ना उसमें वो डाला है, और वो प्लान कष्टदायक इसलिए है कि कुछ बड़ा सोच रहा है वो, और भी कष्टदायक इसलिए है कि वो आपकी दुर्बलता और आपके आलस को जानता है। इसलिए मैंने आपको दूसरा भी कहा, कुछ अपना भी फोर्स लगा लो ताकि प्रभु आपका जीवन बदलने में उसको आसानी हो जाए। मेरी भी तो लिफ्ट करा दे, है ना, गाना था ना। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलें, अपने आप को समझें, और प्रभु आज ये घोषणा कर रहा है कि आपकी चाहे जितनी बड़ी भी समस्या हो, जो भी समस्या हो, उसको समाप्त करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे मिस्र के लोगों की समस्याओं को समाप्त किया था, लेकिन उस संदर्भ में उसकी योजना, उसकी बातें जो वो करता है वो आपके समझ से बाहर होगा। इसलिए कुड़कुड़ाना चिड़चिड़ाना प्रभु पे बंद कीजिए, और जो लोग ये सारा बात समझाता ना, अच्छी अच्छी बातें, उन पे भी चिढ़ना बंद कीजिए, है ना, उन पे भी चिढ़ना बंद कीजिए। प्रभु कहा कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूं, वो तुम्हारे हित का है। प्रभु जानता है कि हम सबके जीवन को कैसे बदलना है। जस्ट ट्रस्ट, सिर्फ विश्वास कीजिए, बाइबल का यह शब्द है, सिर्फ विश्वास कीजिए, ट्रस्ट मी। यीशु ने कहा कि मुझ पे विश्वास करो और मेरे पिता पे विश्वास करो। सिर्फ ट्रस्ट कीजिए, आगे बढ़िए। और थोड़ा सा जो मैंने आपको दूसरे सिरे भी दिखाया, अपने आप को धक्का दे लो भाई, अपने आप को प्रमोट कर लो, है ना, खुद भी जग जाओ सुबह में, खुद भी काम कर लो, खुद भी पढ़ाई कर लो। वो जो मैंने बताया है ना कि तीन में से करना क्या है, एक सोच लो, बाद में जो करोगे अभी ही कर लो। एक भाई था, कुछ दिन पहले एक बच्ची आई मेरे पास, मुझे बोली भैया 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 मैंने, मेरा भाई भाग गया। मैंने कहा बहुत अच्छा है, पार्टी दो। वो मेरे पास घूर कैसे देखने लगी। मैंने कहा भाई भाग गई, बोलते बोलते भैया पार्टी दो। भाई उसका एकदम फुलटुस गांजा पीने वाला बच्चा था, एकदम सुबह से लेकर रात तक गांजा पीता था। पैसा वैसा मांगा होगा घर में, बहुत दिन हॉस्पिटलाइज भी रहा है, कुछ दिन किसी रिलेटिव के यहाँ, किसी दिन किसी रिलेटिव के यहाँ, किसी की बात सुना नहीं, भाग गया। मम्मी पापा गुस्सा किया होगा, पैसा नहीं दिया होगा, भाग गया। बहनें उसकी आई और बोली कि भैया भाग गया वो। मैंने कहा अच्छा हुआ।
बाद में उसकी बहन फिर मेरे पास आई चलते चलते, बोले आप अच्छा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा उसको कौन खिलाएगा, उसको गांजा का पैसा कौन देगा, वो रहेगा कहाँ? इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। वो सुबह से शाम तक 24 घंटा 48 घंटा में फिर जैसे उसका नशा खुलेगा, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। अगर वो बाहर रह गया तो भले के लिए हो जाएगा, कोई तो खिलाएगा नहीं, तो कहीं बर्तन धुलेगा, कहीं रिक्शा चलाएगा, कहीं स्ट्रगल करेगा, तो सेटल तो हो जाएगा कम से कम। मैंने कहा इसीलिए पार्टी दो, दोनों ही अवस्था में, या तो वो 24 से 48 घंटा में चला आएगा। कौन दोस्त किसको खिलाता है, कितना दिन खिलाएगा? दो दिन, एक दिन, उसके बाद कोई आदमी किसी को रखता है? एक ही ऐसा लॉज है जहां पैसा नहीं देना पड़ता है, माँ बाप का, है ना? वही एक ऐसा धर्मशाला है कि अच्छा हो बुरा हो कहीं कैसे भी हो, फ्री का घर, फ्री का भोजन, फ्री का वस्त्र मिल रहा है। और सबसे ज्यादा हम लोग गाली भी उसी लॉज के मालिक को देते हैं, हाँ या नहीं? याद रखिएगा, बाकी उस घर के चार दीवारी को छोड़ने के बाद आपको अपना सही अस्तित्व पता लग जाएगा कि आप कौन हैं। वो हम साधारण भाषा में बोलते हैं ना, आटा चावल का दाल पर का भाव पता हो जाए। इसीलिए मैंने उस बच्ची को बोला था कि चिंता नहीं करो, पार्टी दे दो। तो उसके पीछे का मैंने रीजन उसको समझाया, तब वो जाके समझी। और दूसरे दिन आके क्या बोले कि भैया घर आ गया वापस, आ गया वापस। मैं जानता था कि ये हो जाएगा। तो वैसे बच्चे ही आजकल हमारे समाज में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने वो दूसरा कहानी भी समझाया कि थोड़ी सी प्रभु की भी मदद कर दो, उससे आपका भला हो जाएगा। प्रभु तो समझा ही रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो जितने जीवन को सरल बनाना है, एक नई बात सुनो, जीवन को सरल बनाने का सरल तरीका, काम करिए, मेहनत कीजिए। शरीर काम करने से थकता नहीं है, एनर्जी लेवल बढ़ता है। दिमाग चलाने से खत्म नहीं होता है, बढ़ता है, है ना? एक मूवी में देख रहा था, उन्होंने बोला कि इसका दिमाग अगर बेचा जाए तो बहुत दाम मिलेगा। अनयूज्ड ब्रेन है ये, इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, है ना? तो अपने ब्रेन को अनयूज्ड मत बनाइए, यूज्ड कीजिए इसको। शरीर को जितना इस्तेमाल कीजिएगा उतना स्वस्थ रहिए, टाइम से सोइए, टाइम से खाइए, प्रभु को मदद कीजिए और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए, ताकि आज जो प्रभु कह रहा है कि आपकी सारी समस्याओं का वो समाधान कर देगा और आपके लिए लड़ेगा, ताकि जीवन और आसानी से, जो लड़ाई प्रभु आपके लिए 10 साल लड़ेगा। मिस्र के साथ क्या हुआ? मिस्र के लोग इतने भारी आलसी और निकम्मे थे कि प्रभु लड़ लड़ के 40 साल में भी वो नहीं जा पाए, या नहीं? इतना सारा कुछ करने के बाद भी उनका जीवन नहीं बदल पाया। कहीं आप वैसे तो नहीं है? इस बात को भी ध्यान देना होगा। प्रभु कह रहा है कि मैं सारी समस्याओं का समापन कर दूंगा, डरना बंद कीजिए और इस लड़ाई में मैं लड़ूंगा। ये व्यवस्था विवरण 20 का 4 पढ़िए रोहित भाई, प्रचार तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हमारे यूट्यूब फैमिली के लोग आंसर करें हमको, प्रचार समझ में आया? व्यवस्था विवरण 20 का 4, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। और एक और वचन है निर्गमन, निर्गमन 14 का 13। निर्गमन 14 का 13, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। इन दोनों वचनों को मैंने आपको दिया, रिलैक्स कीजिए। अगर कल या परसों फिर मैं आऊंगा तो मैं टॉपिक प्रभु से यही मांगूंगा, इसी टॉपिक पे बात करने आ रही है। यह आज हमारे समाज की मूल समस्या हो गई, प्रभु हमारे तरफ से लड़ना चाह रहा है, लेकिन हम ना बिल्कुल भी उसी तरीके से हो गए हैं। मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, प्रभु अभी तो सोए थे, आके अंदर से दरवाज़ा खोल लेते ना, कहाँ थोड़ा सा नींद से उठा लेते हैं। हम लोग इतने भारी आलसी है ना, दरवाज़ा का कुंडी भी खोलने के लिए तैयार
नहीं है। अभी तो सिस्टम यह है कि रिमोट चाहिए हमको पंखा चलाने के लिए, अब उठ के स्विच दबाना पड़ता है रेगुलेटर, तो पंखा वाला रिमोट आए दबा दे भाई। पहले मुझे याद है बचपन में हमारे यहाँ वो पंखा बोला जाता था, भोजपुरी में उसको बेना बोलते हैं, ऐसे हिलता था, है ना? आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। मम्मी गोद में सुलाती थी हम लोग को रात भर नींद में, अच्छा माँ बाप को आदत हो जाता है, ऐसे ही बेना उनका चलता रहता था, जैसे वो गिरा हम लोग का नींद खुला, अच्छा चुप 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 चुप, 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 चुप। फिर वो चलने लगा, है ना? आजकल तो एसी में भी लोगों को गर्मी लगता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता, क्या होगा इस जनरेशन का मुझे ये नहीं समझ में आता। तो प्रभु कह रहा है कि आपके जीवन की जो भी समस्या है वो मैं बदल दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से कह रहा हूं कि थोड़ा सा अपना भी लगा लीजिए एफर्ट, तो आसान हो जाएगा, नहीं तो प्रभु को 40 साल लड़ना पड़ेगा आप लोगों की तरफ से, है ना? तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए आखिरी प्रार्थना में जाए। आइए खड़े हो जाए। उस पिता को, हमारे प्यारे यशु को और हमारे सहायक पवित्र आत्मा को याद करेंगे, धन्यवाद करेंगे उसको। ये प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज हमें सिखाया समझाया कि हमारे जीवन में चाहे जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट है, प्रभु खुद तू निकालेगा और तू प्रमाणित करेगा कि तू हमारे साथ। लोग हमें देखेंगे, जानेंगे, तो जान पाएंगे कि तू कितना पवित्र है, तू कितना शक्तिशाली है। और इसके लिए प्रभु तू इन सारी लड़ाइयों में लड़ेगा, तू हमारे आगे आगे चलेगा, जैसे पीछे हमारे जीवन के पीछे तूने हमारे पूर्वजों के साथ किया था, वैसे ही तू अब भी हमारे लिए लड़ेगा। और प्रभु पूर्वज की बात क्यों करें, तूने अब तक के जीवन में इतनी लड़ाइयां हमें जिताई है प्रभु, वैसे ही आगे तू जिताएगा प्रभु। इस संदर्भ में पिता आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे तरफ से जो भी कमियां रह जाती है हमारे उन्नति में, हमारे तरक्की में, जो कर्तव्य हमारा है, प्रभु तू तो दयालु है, तू तो हमारे लिए कुछ भी करता है, लेकिन हमारा हमारे जीवन के प्रति, परिवार के प्रति, इस समाज के प्रति, ईश्वर आपके प्रति जो जिम्मेवारी है, उसके प्रति जो आलस्य है प्रभु, उसको पिता यीशु के नाम से समाप्त कर दीजिए। हम सबको एक नए उत्साह, एक नई एनर्जी, एक नए विश्वास के साथ सुबह में जगाइए पिता, ताकि हम समझ सके कि आज हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, वो बादल का खंभा, वो आग का खंभा हमारे आगे आगे चल रहा है। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि प्रभु आप हमारे आगे चल रहे हैं, हम आपका मार्गदर्शन पाके जीवन के उस असीम छोर पे, असीम ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं प्रभु, अगर आप हमारा साथ दे दे। और आज आपने कहा कि आप ही हमारे साथ हैं, आप ही हमारे आगे चलते हैं, तो पिता हमें ये शक्ति दीजिए कि हम भी उस शिखर पे पहुंच पाए जहां तेरी इच्छा, जहां तेरी योजना है, जो तूने हमारे लिए बना के रखा है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, आज हमारे सारे भय से तूने मुक्त किया, हमें एक नया एनर्जी, एक नई ताकत दी है प्रभु। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा।
तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, जिसका ऑपरेशन हुआ है, मैं तेरी दासी हिल्डा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु, बीते रात प्रभु तूने अपने हाथों से उसका ऑपरेशन किया है। प्रभु, ठीक उसी प्रकार से जैसे तूने आदम को सुलाया था और उसका पहला ऑपरेशन हुआ था प्रभु इस विश्व में, उसी तरह तूने अपनी बेटी हिल्डा का भी ऑपरेशन किया है प्रभु। और जैसे आदम को तूने सुस्वस्थ कर दिया था प्रभु, तूने अपनी बेटी हिल्डा का भी सुस्वस्थ किया है प्रभु। और उसको पूर्ण चंगाई जो तूने देने का वादा किया था प्रभु, उसको दे दिया। फिर इस संदर्भ में उसे अपने बल, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य से भर रहा है प्रभु। उनसे जीवन से जुड़े जितने लोग हैं, उन सबको तू विश्वास का वरदान दे रहा है प्रभु। तेरी बेटी, तेरी दासी के गवाही को सुन के बहुत सारे लोग विश्वास में आएंगे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस संदर्भ में जो भी लोग इस्तेमाल किए गए प्रभु, वो सब तेरे लोग थे प्रभु, तेरे स्वर्ग दूत थे प्रभु। उन सबको तूने पाक पवित्र बनाया था प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, किसी भी अन्य समस्या, किसी अन्य बीमारी से लड़ रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ शांति, जेवियर, एलेक्स, मरियम, मार्था, दिवेश, सीलमनी, तारा, सुषमा के। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग नशे से ग्रसित हैं, जेवियर, सुनील, मगदली, नवनीन, अभिषेक, ऋतिक, सालू, अनिमेश, संजय, पत्रस, सुरजीत, प्रकाश, अशोक। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम बेरोजगार बच्चों के लिए, नेहा, जेवियर, डेजी, नीलिमा, विनीता, पुष्पा, विवेक, सुशन, सरोज, उपेंद्र, सचित, पुनीत, नीली, प्रिंस, एरिक, गुड्डी, जो लोग एग्जाम और पढ़ाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं, आकांक्षा, नयन, अर्जेन, महक, इसीता, शारा, अनोक, एंड्रू, एलेक्स, नीलम, अयान, शशि, सुषमा, प्रियंका, जोर्डन, अनु, अंजलि, आशीष, आशीष, रूथ, आदित्य, अनुजा, जो लोग प्रभु आपसे जुड़ने के लिए भूखे और प्यासे हैं, अनुपा, डेजी, अनमोल, बहलेन, सीमा, रंजीत, विभु, डैमियन, अभिराज, उषा, रीतिका, सिल्की, शमर, अनामिका, सेजल, स्मृति, मनीता, शर्मिला, कुलदीप, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, दीपेश, लीली, बिजिल, शलोनी, प्रीति, अलीशा, जो लोग संतान के आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, संगीता, जो लोग विवाह संबंधित प्रार्थना चाहते हैं, वंदना, समीर, ज्योति, दिव्या, उर्मिला, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्नता चाहते हैं, वायलेट, डेजी, कांति, लॉरेंस, निर्मला, जमीन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, मोहिनी, मार्गरेट, विपिन, शालिनी, जो लोग परिवार में के मनों पे आपका नियंत्रण चाहते हैं, जुआए, सचिन, अभिषेक, वीरेंद्र, सुरेश, शंकर, जो लोग प्रसव पीड़ा में है प्रभु, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर कि प्रभु जच्चा और बच्चा दोनों ही तेरे हैं, डॉक्टर्स भी तेरा है प्रभु, उन सब पे तेरा अधिकार चाहिए प्रभु।
उन सबको अपने नियंत्रण में प्रभु, इतने लोग जिस प्रकार से भी हॉस्पिटल में है पिता, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी, पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी, स्वर्ग दूत हाथों में उठा ले जाएगा, स्वर्ग दूत हाथों में उठा ले जाएगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, चिंता ना करो भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा, चिंता ना करो भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, हे पिता, जितने लोग ट्रांसफर चाह रहे हैं प्रभु, उन सबको नियंत्रण मिले प्रभु, उनके ट्रांसफर में उनकी मदद कर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग गर्भ धारण किए हों, मैं प्रार्थना करता हूँ अंजना के लिए और ऐसे जितने बच्चे हैं जो गर्भ को धारण किए हुए हैं, गर्भवती है प्रभु, उन सब पे तेरी कृपा चाहते हैं प्रभु। जितने लोग इन दिनों ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करने जा रहे हैं कल, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आज तेरे बहुत सारे भटके हुए बच्चे हैं जिनको तू पुकार रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आत्मा, पवित्र आत्मा ने बता रहा है कि वो लोग प्रभु के मार्ग से भटक रहे हैं प्रभु। आज उन्हें बुला रहा है कि आपके जीवन की चाहे जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जिस टाइप से भी है, प्रभु उसका मार्ग निकालेगा, वो आपके जीवन को सरल और सीधा करेगा। आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु के नजदीक आए। वैसे तमाम बच्चे जो इस वक्त प्रभु के मार्ग से भटकते जा रहे हैं, प्रेरित ईशा, मनीषा, कांति, मरियम, नितिन, नितिक, मोनोलिशा, अस्रिता, नूतन, प्रभु इन तमाम बच्चों को बुलाता है। प्रभु कहता है कि आइए मेरे पास आइए, आपके जीवन की सारी समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरे इन भटके हुए बच्चों के लिए। तूने कहा था कि 99 को छोड़ के एक जो तेरे मार्ग से भटक जाते हैं उनकी तू सुरक्षा करता है, रखवाली करता है। प्रभु इन बच्चों पर तरस खा, इन पर तरस खा प्रभु, तरस खा पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आज उन तमाम रोगियों के लिए जिनको प्रभु चंगाई देने जा रहा है। प्रभु आज बहुत सारे लोगों को लीवर की समस्या से मुक्त कर रहा है, जिनको भी लीवर की समस्या है इस वक्त अपने पेट पे हाथ रखें और प्रभु को कहें कि धन्यवाद पिता, तूने मेरे इस प्रॉब्लम से मुझे मुक्त किया है। हृदय रोग से ग्रसित बहुत सारे लोगों को प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहे हैं। किडनी से संबंधित बहुत सारे रोग इस वक्त छू रहा है प्रभु, उन्हें स्पर्श कर रहा है। पेट में दर्द है इस वक्त किसी का, वो भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जा रहा है। पत्थर और स्टोन की समस्या से प्रभु बहुत लोगों को मुक्त किया है और आज भी बहुत सारे स्टोन की समस्याएं अभी और इसी वक्त मुक्त किए जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं। धन्यवाद करें उस पिता का, सिर में लगातार दर्द रह रहा है, प्रभु कह रहा है कि ये दर्द आपकी अभी और इसी वक्त जा रही है। बहुत सारे लोग इन दिनों सिर दर्द से ग्रसित हैं, प्रभु कह रहा है कि आपको स्पर्श कर रहा है। उल्टी की नई समस्या है, बहुत सारे लोगों का वोमिटिंग टेंडेंसी इसी वक्त ठीक हो रहा है।
बुखार से प्रभु बहुत सारे लोग इस वक्त ठीक किए जा रहे हैं। इन दिनों जितने लोग दुर्घटना ग्रसित हुए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उन सबको स्पर्श कर और उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दर्द है, जो भी दिक्कतें हैं प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इसी वक्त प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। धन्यवाद करें उसके असीम कृपा के लिए। गैस्ट्रिक की समस्या से प्रभु इन दिनों बहुत सारे लोगों को मुक्त किया है। प्रभु को धन्यवाद करें, ये गैस्ट्रिक लाइलाज बीमारी है प्रभु, तू इस गैस्ट्रिक की समस्या से बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया है। आज हम सबको तू छू रहा है और गैस प्रॉब्लम से हम सबको तूने मुक्त किया है। पीसीओडी की समस्या से बहुत सारी बच्चियां परेशान है प्रभु, उन पीसीओडी और सिस्ट की समस्या से इस वक्त बहुत सारे लोगों को मुक्त कर रहा है। और पीरियड्स की समस्या से प्रभु ने बहुत सारे लोगों को निजात दिलाया है। धन्यवाद करें पिता के इस असीम अनुकंपा के लिए। गर्दन के पीछे दर्द रहता है, प्रभु कह रहा है कि गर्दन के पीछे दर्द रहता है, यहां इससे आप मुक्त हो रहे हैं। ईश्वर उस पिता को, उस यीशु को, उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कोलेस्ट्रॉल जिनका भी बढ़ा हुआ है प्रभु नियंत्रण में ले रहा है, धन्यवाद करें उसका। इन दिनों बवासीर की समस्या से प्रभु बहुत सारे लोगों को मुक्त किया है। मैं प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि प्रभु दुष्ट आत्मा ग्रसित जितने लोग हैं वो यीशु के नाम से इस वक्त मुक्त हो रहे। दुष्ट आत्मा ग्रसित जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं पिता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं, मेरी अगुआ सिस्टर स्तर और हमारे टीम के जितने भाई बहन हैं, मैं उन सबको आत्मा में एक करता हूं। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी नकारात्मक शक्ति जिस रूप में, जिस प्रकार से, जिस तेरा शरीर के अंदर काम कर रही है, इसी वक्त यीशु के नाम से निकल के बाहर जा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, आज तूने हमें स्पर्श किया है। धन्यवाद करते हैं जो भी अविश्वास की आत्मा है, जो भी चिंता की आत्मा है, जो भी क्रोध की आत्मा है, जो भी नशा की आत्मा है, वो सब हमारे जीवन से निकल गई है प्रभु। अन्य जितनी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है हमारे जीवन से निकली है। मैं प्रार्थना करता हूं जिनका भी कोर्ट केस है, किसी भी प्रकार से कोर्ट में केस है, जमीन संबंधित है, पति पत्नी का झगड़ा है, क्लेश है, क्रिमिनल केस है, अन्य किसी भी केस में हम उलझे हुए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस वक्त जेल में है प्रभु, उन सबकी सहायता कर प्रभु। हम लोग जो सांसारिक जेल में है, जो हम सब किसी ना किसी बंधन में जकड़े हुए प्रभु, उस जेल से भी मुक्त कर प्रभु। और पिता हम सबको मुक्त कर प्रभु, ताकि हम समझ सके प्रभु जमीन विवाद की समस्या से प्रभु तूने हम सबको मुक्त किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आज बहुत सारे तेरे बच्चे हैं जो निराशा का मुख्य कारण है आर्थिक स्थिति। प्रभु हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या है प्रभु, हम अपने जीवन में आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं, जूझे हुए हैं। प्रभु तूने कहा सोना मेरा है, चांदी मेरा है, गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। हे पिता हमारी मदद कर, तूने कहा कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली तमाम दशाएं छोटी लगेगी। हे प्रभु हमारी मदद कर। लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, यरदन नदी भी हटकर बहेगी, यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो मैं ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा, चिंता ना करो मैं ना खाओ, हाथ
पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज बहुतों को आर्थिक रूप से आशीषित किया और बहुत सारे लोग ट्रांसफर जो चाहते थे प्रभु ने उनके ट्रांसफर की समस्याओं को समाप्त किया। प्रभु आज तेरा धन्यवाद करते हैं, इस वक्त तूने बहुत सारे लोगों को गर्भ का आशीष दिया, जितने लोग गर्भ नहीं धारण कर पा रहे थे या बार बार मिसकैरेज हो रहा था, प्रभु उनके नए सिरे से उनके गर्भ को ठीक कर रहा और आपके गर्भ को आशीषित कर रहा। आप एक सुंदर सुशील स्वस्थ बच्चे को जन्म देने जा रही हैं। धन्यवाद कीजिए इस यीशु के असीम अनुकंपा के लिए। आप धन्यवाद कीजिए, बहुत सारे लोगों को इन दिनों नया घर देने जा रहा प्रभु, अपना घर, जो एक हर लोगों का सपना होता है अपना घर। प्रभु इन दिनों बहुत सारे लोगों को अपने घर का आशीष देने जा रहा है, प्रभु आपका घर बनाने जाना है। आप उसको धन्यवाद करें, क्योंकि वचन कहता है कि जब तक यहोवा घर ना बनाए बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, वो आपके घर को बनाने जा रहा है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। इन दिनों बहुत सारे लोगों को प्रभु नया जीवन देने जा रहा है, एक नया जीवन, एक अद्भुत जीवन, एक अनोखा जीवन। वो पुराना, वो सड़ा हुआ, वो गला हुआ, वो दुखी, वो हीन, वो घृणा से ग्रसित, वो शंका से ग्रसित, वो व्यभिचार से ग्रसित, वो नशा से ग्रसित, उन तमाम शरीर को एक नया अंग दे रहा है, एक नया शरीर, एक नई आत्मा। प्रभु कहा कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे हैं इस वक्त जो नए हो रहे हैं, नया, एक नया अभिषेक, एक नया आशीष। धन्यवाद करें पिता का। इन दिनों बहुत सारे लोगों को शादी का आशीष प्राप्त होने जा रहा है। प्रभु बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को वर और वधु दोनों ही पिता देने जा रहे हैं। आप धन्यवाद करें, जितने लोग इस वक्त विवाह के लिए इच्छुक हैं वो प्रभु को धन्यवाद करें और कहें प्रभु से, प्रभु धन्यवाद, जैसे तूने आदम के लिए हेवा बनाया था, हेवा के लिए आदम बनाया था, वैसे ही तूने मेरे लिए वर और वधु का इंतजाम किया है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु इस संदर्भ में जो भी बाधाएं थी, जो भी रुकावटें थी, उसको तूने समाप्त कर दिया है। एक आत्मिक व्यक्ति के साथ तूने हमारा संबंध जोड़ा है, वो महिला के रूप में हो चाहे पुरुष के रूप में, जो हमें स्वर्ग तक ले जाने में हमारी मदद कर रहा है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज प्रभु बहुत सारे लोगों को नौकरी का आशीष देने जा रहा है। धन्यवाद करें इस असीम अनुकंपा के लिए जो इस वक्त पिता हम सब पे कर रहा है। परिणीता, प्रभु कह रहा है कि परिणीता आपको शीघ्र ही नौकरी का आशीष मिलने जा रहा है। अभिलाषा, प्रिया, रोहित, वेरोनिका, मनीष, सचिन, शशांक, प्रकाश, सुबोध, सुधीर, अनुज, अनूप, अर्चना, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु सबको आज नौकरी के आशीष से आशीषित करने जा रहा है। हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने अन्य मुख्यमंत्री हैं, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जितने प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जितने चर्च के सेवक हैं, जितने विधवा विधुर हैं, अनाथ हैं, जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, जो लोग इस वक्त मरण शय्या पे हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन की दुर्बलताएं, हमारी कमियों को जानता है प्रभु, फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं और पिता इस वक्त तुझसे पवित्र आत्मा की मांग करते हैं, वो आत्मा जो तूने सिर्फ हमारे लिए बनाया था। प्रभु का आत्मा इस वक्त बहुत सारे बच्चों को स्पर्श कर रहा है, निर्मिला, निर्मला, राकेश, स्मिता, श्रेया, अर्चना, प्रकाश, रितेश, अजीता, जोहन, जूही, रिचा, अनुपमा, राजेश, रोहन, रोशन, आलोक, प्रेमा, प्रीति। प्रभु बहुत सारे लोगों को इन दिनों स्पर्श किया है, बहुत सारे लोगों को प्रभु विश्वास का वरदान दिया है और आज प्रभु का आत्मा बता रहे कि बहुत सारे लोगों को इन दिनों स्वतंत्र किया। फिर से प्रभु तू अपनी बेटी हिल्ला को सुस्वस्थ किया,
और प्रभु मैं जैसे आत्मिक रूप से देख पा रहा हूँ, इसी मंच से वो तेरी गवाही देंगी और तुझे महिमा प्राप्त होगी। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएँ हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।